नमस्कार, इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ इंसानियत की आवाज़ में। आज आए हैं हम बगतला गांव पर, गांव में वार्ड नंबर 17 के जो भाभी उम्मीदवार हैं अंजू वाला जी, आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और अंजू वाला जी से जानने का प्रयास करेंगे कि अंजू वाला जी का ख्याल कैसे और कब आया राजनीति में आने के लिए। जी अंजू वाला जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अंजू है, मैं गांव बगतला ब्लॉक थानेसर की रहने वाली हूं और मैं अपने गांव में बगतला गांव में ब्लॉक समिति के पद के लिए चुनाव लड़ रही हूं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैं मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहती हूं। और हम आपसे ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आज के समय में जो बेटियां हैं हमारी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, मैं उनके लिए कोशिश करूँगी कि कोचिंग सेंटर बनाया जाए, गाँव में कोचिंग सेंटर खुलवाया जाए, जिससे वो सेल्फ डिफेंस के उस पर वो कर सके। आपके वार्ड में कौन कौन से गाँव आते हैं? हमारे वार्ड में बगतला और समसपुर आते हैं। तो दो गांव आते हैं, दो गांवों की टोटल कितनी वोट हैं? 2500-3000 के करीब है सर। 2500-3000 के करीब हैं। तो आप जैसे कि राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं, अपने वार्ड वासियों को जैसे दिवाली भैया दूज का पर्व जो आ रहा है, इस अवसर पे अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए जिन्हें जिनका मैं निरीक्षण कर रही हूं। मेरे साथ गांव की 70 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हैं। अब जिस पहले गांव में ऐसा कुछ भी ग्रुप बने हुए नहीं थे, तो मैंने ग्रुप बनाए, 7 ग्रुप बने हुए हैं जिसमें 10-10 मेम्बरों के ग्रुप होते हैं। तो औरतें या लड़कियां उनमें जुड़ी हुई हैं, वो अपने घर में कोई भी काम शुरू करके ट्रेनिंग लेके शुरू करके अपनी दुकान खोल के बैठी हुई हैं, वो अपना परिवार का खर्चा खुद चला रही हैं। अंजू वाला जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि भैया दूज और दिवाली आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपके जो वार्ड के जो मेंबर हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको दीपावली और भैया दूज की बधाई देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए प्रज्वलित हो। तो वार्ड वासियों से वोट की अपील कैसे करेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी समझो या बहन समझो, कुछ भी समझो, अपनी छोटी बहन समझ के ही, चाहे परिवार का मेंबर समझ के ही मुझे वोट देने की कोशिश करना, ताकि मैं गांव की महिलाओं को जो आगे नहीं आना चाहती है, मैं उनको आगे ला सकूं, उनको जो भी दिक्कतें आती हैं उनका प्रावधान कर सकूं मैं।